स्टैंडिंग है, इसको हम बोलेंगे खड़ी रेखा। क्या बोलेंगे? खड़ी रेखा। ठीक है, ये क्लियर हो गई। उसके बाद इसके नीचे है स्पर्शी रेखा, ये हमारी पड़ी रेखा। ये दो रेखाएं होगी आपकी, एक होगी खड़ी रेखा और दूसरी होगी पड़ी रेखा। आपको भी देखो इसको लिखा है ना, स्क्रीन पर पेंसिल फेर के आपको ये जैसे डॉट्स दिए गए हैं ना, छोटे छोटे ऐसे डॉट्स दिए गए हैं, तो आपको इसको क्या करना है, इसको ज्वाइंट को जो है जो बिंदी इनकी है उसको क्या कर देना है, मिला देना। उसके बाद है इन पर ही पेंसिल फेर के, इन पर ही पेंसिल चलानी है, इन पर पेंसिल फेर के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका ना ये जो रेखा है लाइन वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, आधा गोल, आधा गोल है ना, इसको कैसे करना है, ऐसे दिया गया है आपको, ऐसे दिया गया है ऐसे, तो आप इसको ऐसे मिलाओगे। ठीक है, फिर ऐसे दिया गया है ऐसे, तो आप इसको ऐसे मिलाओगे। ठीक है, इसको भी टेस्ट करना है आपको, एक बार पेंसिल फेरना है। उसके बाद देखो अब यह स्वर लेखन, स्वर लेखन अ से क्या लिखा है, अना। क्या लिखा है अ से, अना। तो अ हम लिखना सीखेंगे, आप लोग नर्सरी में अ से अ लिखना सीख चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, और कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले हम ये यहाँ पे जो आपके बुक में दिया गया है ऐसी लाइन खींची गई है, खींची गई है ना, यहाँ से देखिएगा ऐसी लाइन खींची गई है, बीच में भी एक पतली सी लाइन है जो थोड़ी कम दिख रही है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम स्टेप सीखते हैं और लिखते कैसे, उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो कैसे लिखा गया है। सबसे पहले हम लिखते हैं ऐसे, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट में, सबसे लास्ट में यह हमारा कुल मिला के बन गया क्या, अ। कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 स्टेप में हमारा अ कंप्लीट हुआ। तो अ आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे लाइन खींच देनी है, पेरेंट्स आप लोग अपने यहाँ पे लाइन खींच देंगे, बच्चे अपने आप लिखेंगे, और प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आप लाइन खींच के ऐसा नहीं कि लाइन खींच के बच्चों को बुक दे के चले जाए, ऐसे में बच्चे क्या करते, बच्चे ही वो क्या करेंगे बुक को फाड़ देंगे, फिर ऐसा थोड़ी ना कि स्कूल खुलेगा, स्कूल खुलेगा तो देखने में भी खराब लगेगा, हम करेक्शन भी नहीं कर पाएंगे जब सब खराब होगा, तो आप प्लीज उससे थोड़ा केयर कीजिएगा। ठीक है, आप अपने बैठ के लिए फ्री होंगे या बच्चों के लिए फ्री रहेगा, आप बैठ के आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस बुक में क्या क्या करनी है, हिंदी क्लास में आपको ये खड़ी रेखा पड़ी रेखा को ट्रेस करना है, पेंसिल फेरना है, इसपे ही पेंसिल फेरना है, इन सभी पेंसिल फेरना है, और ऑल लिखना है, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आपको ऑल लिखना है इस बुक में। अब आगे आपका स्वर वाटिका है, स्वर वाटिका में अभ्यास में आपको क्या करना है, इसमें भी देखिए, इसमें भी सिलेबस है बहुत। अब यहाँ पे सबसे पहला जो लेसन है हमारा बिना मात्रा के दो अक्षरों वाले शब्द, बिना मात्रा के पहले हम सब सीखेंगे। आप लोग को कौन से ज्ञान तक अ से अ तक आता हो नर्सरी में सिखाया गया, उसके अकॉर्डिंग आप इस अक्षर को पहचान सकते हैं। ये कौन सा अक्षर है, ख। यहाँ पर हम प्लस का साइन देते हैं, जोड़ का चिन्ह देते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, ये कौन सा अक्षर है, ल। अगर ये ख है और ये ल है तो दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सा नया शब्द बनेगा, हर। गुड, उसके बाद है ये कौन सा अक्षर है, ब, और ये कौन सा अक्षर है, स। ये दोनों को मिला देंगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा, बस। समझ आ गई बात, अब दो अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास कीजिए, आपको दो अक्षर वाले शब्दों के अभ्यास करने के
था, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे, सुंदर सुंदर राइट करते हैं। और जब लिखोगे ना, तो सिर्फ लिखना नहीं है, इसको लिखने के साथ साथ पढ़ना भी है। जैसे हमने लिखा नल, हमें लिखना है, सबसे पहले हम न लिखेंगे तो न पढ़ेंगे न, और उसके बाद हमने लिखा ल, तो हमने पढ़ दिया इसको क्या नल। इससे क्या होगा कि आप लिखना भी सीख सकते हैं, पढ़ना भी सीख सकते हैं साथ साथ, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखिए, सेकंड जो पेज नंबर है, सेकंड में दिया गया है, दो अक्षरों वाले शब्दों से बने वाक्यों का अभ्यास कीजिए। जब आप लिखिएगा ना, तो एक लाइन आप पढ़िएगा, लव हल चक कर घर तक चल, लव हल चक कर घर तक चल। जब ये पांच बार आप रिपीट कीजिएगा ना, तो आपको पढ़ने अच्छे से आ जाएगा। आप लिखते भी रहेंगे और साथ साथ में क्या करते रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे। उसको भी इसको भी ऐसे ही करना है, छत पर चढ़ कर यह छड़ रख, छत पर चढ़ कर यह छड़ रख। तो आप लिखेंगे भी और साथ साथ पढ़ते रहेंगे। सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूटी, एकदम सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग है। क्लियर हो गया बात। अब ये दो अक्षर वाले शब्द में आपको बनाने हैं, ये बिना मात्रा के शब्द लिखने हैं, और ये आपको ये करना है। और आप लोग के पेरेंट्स, आपके लिए, आप जब स्कूल से जो कॉपी बच्चों को प्रोवाइड की गई है, आप उसमें बच्चों को क्या कीजिएगा, ऐसे शब्द बना के देंगे, ठीक है। जैसे कि हमें बनाना है, आप ऐसे लिखें य प्लस ज्ञ, ठीक है। तो आप ये नहीं बनाइए, ये दोनों वर्ड जो दोनों अक्षर जुड़ के कौन सा नया शब्द बनाएंगे। आप बच्चों को दिखेगा य और पढ़ेगा लिखो, ठीक है। जैसे दूसरा शब्द हमें छत लिखना है, छ प्लस त, आप ऐसे लिखकर जब दीजिएगा तो बच्चे अपने आप यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या रही, तो आप बताए वाला शब्द ये क्या है, छत है। ये पढ़ेगा भी और साथ साथ में लिखेगा भी। ये वहां पे कराने जहां से स्कूल की आपकी कॉपी प्रोवाइड की गई है, स्कूल की जो कॉपी प्रोवाइड की गई है, आप उसमें इसको करेंगे।